सबसे पहले बात करेंगे आज होने वाले धामी कैबिनेट की अहम बैठक की। तो आज कैबिनेट की बैठक है, सुबह 10:30 बजे से देहरादून सचिवालय में होगी। कैबिनेट में पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही पेड़ सुरक्षा एक्ट 1976 में भी बदलाव आ सकता है। तो आज कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, धामी कैबिनेट की बैठक है। बातचीत करने के लिए दीपांकर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज कैबिनेट की बैठक, क्या अहम मुद्दे और क्या ऐसे जो अधिनियम है या कुछ ऐसे बदलाव हैं जो संभव है आज इस कैबिनेट की बैठक में? बिल्कुल, बजट सत्र के बाद ये पहली कैबिनेट है और अब आचार संहिता लगेगी, तो उससे पहले भी कुछ बड़े फैसले यहाँ पर हैं। खासतौर पर हल्द्वानी में जिस तरह के दंगे हुए थे उसके बाद सरकार उसको लेकर बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री ने लगातार कहा है कि जो आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो जिस तरीके से आपने बताया कि पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी जो क्षति वसूली एक्ट है उसको आज मंजूरी कैबिनेट से मिल सकती है, इसका साफ मतलब अगर ये यहाँ से एक्ट मंजूर होता है कैबिनेट से, साफ मतलब होगा कि अगर भी आप दंगे या सरकारी संपत्ति या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर आपसे उसकी वसूली होगी। तो अगर इसको अप्रूवल मिलता है तो एक बड़ा फैसला होगा उत्तराखंड के लिहाज से। दूसरी अहम बात की ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में भी थोड़ा संशोधन हो सकते हैं, क्योंकि कई बार आपकी प्राइवेट लैंड पे कई पेड़ होते हैं जिनको आप काट नहीं सकते बिना फॉरेस्ट्री मंजूरी के। अगर ये संशोधन होता है तो फिर आप अपने प्लॉट या कहीं जमीन जहां पर भी आपकी होगी उसमें जो पेड़ होगा उसका आपको फॉरेस्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ कई और सेवा नियम और इससे जुड़े मसले होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उन पर भी आज मोहर लग सकती है कैबिनेट में। ठीक है दीपांकर, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन के मूड में आ चुकी है। 3 लोकसभा टिकटों के ऐलान के साथ बीजेपी ने बूथ स्तर पर संपर्क के लिए महाअभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे लोगों से सीधा संवाद बीजेपी ने के नेता करने वाले हैं। वहीं पार्टी नेताओं पदाधिकारियों को अपने बूथ पर जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, जहां 3 दिन तक अपने बूथ पर विधायक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मंत्रियों को भी अपने बूथ में 3 दिन गुजारने होंगे। प्रदेश में 11,000 बूथों पर बीजेपी का महाअभियान चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लाभार्थी सम्मेलनों में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पूरे संपर्क अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। तो बीजेपी अब फुल फ्लेज्ड तरीके से चुनाव प्रचार के लिए उतर चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी दिखाई दे रही है और कहा यह गया है कि बूथ स्तर पर बीजेपी का संपर्क महाअभियान चलेगा, जिसमें मंत्रियों से लेकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तक मौजूद रहने वाले हैं। तो लाभार्थी सम्मेलनों में पुष्कर सिंह धामी पहले ही हिस्सा ले रहे थे और अब बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं या मंत्री हैं उनको तमाम तरह के निर्देश दे दिए गए हैं। 3 लोकसभा के टिकटों के ऐलान के बाद अब बीजेपी बूथ स्तर पर संपर्क के लिए महाअभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे लोगों से सीधा संवाद बीजेपी के नेता करेंगे। वहीं पार्टी नेताओं पदाधिकारियों को अपने बूथ पर जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से 3 सीटों का ऐलान हुआ उसके बाद अब कह दिया गया है कि आप अब बूथ पर जाइए, वहां पर लोगों से संपर्क साधिए, किस तरह से यह पूरा अभियान शुरू होने वाला है और किस तरह की तैयारी बीजेपी इसे लेकर कर रही है? देखिए, बीजेपी 3 टिकटों का ऐलान कर चुकी है और 3 सिटिंग सांसदों को टिकट दे चुकी है, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से जोश में हैं और जो पार्टी का नेतृत्व है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर स्टेट की जो बॉडी है, उसने साफ तौर पर अपने, चाहे वो स्टेट के पदाधिकारी हों या फिर मंत्री हों या फिर जो जिलों के पदाधिकारी और मंडल के पदाधिकारी, उनको ये साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी बूथ में, जो भी उनका बूथ पड़ता है उस बूथ पर जाएं और वहां पर बूथों का सत्यापन करें। बूथों का सत्यापन के लिए भी एक विशेष टेक्निक का इस्तेमाल किया है। वो लोग जाएंगे और लाभार्थी जो कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की स्कीम्स का फायदा उठा रहे हैं, जो राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार की दी हुई स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। बकायदा उनसे एक एक मिस कॉल भी एक पर्टिकुलर नंबर पर करवानी होगी ताकि तस्दीक हो सके कि ये जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, ये अपने बूथों पर रहें। और स्ट्रिक्टली ये कहा गया है संगठन की तरफ से कि अब आप सारे काम छोड़ के जो आपके प्रदेश के दौरे होते हैं उनको सब छोड़ दीजिए, वो दौरे केवल और केवल जो प्रदेश
के बड़े नेता जिसमें मुख्यमंत्री और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं या फिर जो केंद्रीय मंत्री हैं वही ये दौरा करेंगे। इसके अलावा कोई भी नेता चाहे वो प्रदेश के संगठन का स्तर का हो या फिर प्रदेश की सरकार में मंत्री हो, वो किसी भी दौरे का बहाना बना करके अपने क्षेत्र से बाहर न जाए। वो केवल और केवल 3 दिन उसको अपने पर्टिकुलरली अपने पूरे बूथ पर देने हैं और बूथ का सत्यापन कराना है मिस कॉल करा करके। इससे जो बीजेपी का संगठन है वो इंश्योर कर रहा है कि जो पार्टी के नेता हैं वो अपने बूथ को जिता करके दें ताकि जो है उनका सांसद फिर से, यानी 5 के 5 जो लोकसभा सांसद हैं जैसे कि लगातार पिछले 2 टेन्योर से उनके जीतते आए हैं और तीसरा टेन्योर भी ऐसा रहे कि पांचों लोकसभा सीटें देवभूमि उत्तराखंड की वो जीत करके जाएं। हालांकि 2 सीटों का ऐलान होना अभी बाकी है, हरिद्वार और पौड़ी सीट पर अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का ये साफ कहना है कि उनका सिंबल कोई भी नेता नहीं है, उनका सिंबल सिंपल है कि आपको कमल के फूल के लिए वोट मांगने हैं। ऐसे में बीजेपी के सभी नेताओं को और बीजेपी अपने कब्जे में लेना चाहती है और इसके लिए अभी से तैयारी उसने शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एनडी तिवारी भले ही इस दुनिया से कई साल पहले रुखसत हो गए हों लेकिन उनका दबदबा उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में अभी भी बरकरार है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए जरा ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, लिहाजा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में सबसे वीवीआईपी सीट रही नैनीताल पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि केसी पंत, एनडी तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, बच्चे सिंह रावत, हरीश रावत, नैना बलसावर, मुजफ्फर अली और अजय भट्ट जैसे कद्दावर नेता इस लोकसभा सीट से किस्मत आजमा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन सब नेताओं के चुनाव लड़ने के बावजूद ये सीट हमेशा से एनडी तिवारी के नाम से फेमस रही है। हालात ऐसे हैं कि एनडी तिवारी के जाने के कई साल बाद भी आज उनके नाम से लोकसभा टिकटों की दावेदारी हो रही है। कि हमने नैनीताल उधम सिंह लोकसभा जो लोकसभा सीट से इच्छा व्यक्त की है कांग्रेस में, और जो भी कांग्रेस का फैसला होगा उस फैसले का सम्मान किया जाएगा। मुझे अगर मौका देती है कांग्रेस, निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। तिवारी जी की जो सोच थी, जो एक अच्छी बुनियाद उत्तराखंड पर रखी थी, जो अब 25 साल पूर्ण होने के हैं, हम ये चाहते हैं जो यंग उत्तराखंड को जो विजन, जो सोच, जो नरेंद्र तिवारी जी की सोच थी उसे आगे बढ़ाने का हम दृढ़ संकल्प लेते हैं। दरअसल कांग्रेस हो या बीजेपी, एनडी तिवारी को नजरअंदाज करना किसी के भी बस की नहीं है। तभी तो बीजेपी सरकार ने एनडी तिवारी के नाम पर सिडकुल समेत कई चौक के नाम बदल दिए हैं। और इन सब के बीच कांग्रेस सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 6 मार्च को होनी है, जिसमें नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से पूर्व सांसद महेंद्र पाल, रणजीत रावत, दीपक बलुटिया और गणेश उपाध्याय के नामों पर चर्चा होगी। ऐसे में एनडी तिवारी के प्रभाव वाली सीट पर कांग्रेस के लिए उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाखरू रिजर्व फॉरेस्ट में टाइगर सफारी घोटाले के मामले में आज हरक सिंह रावत से पूछताछ हो सकती है। मामले में ईडी ने हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। छापेमारी में कई दस्तावेज के साथ नकदी बरामद हुई है। इसी के साथ ही हरक के करीबियों पर ईडी ने शिकंजा कसा है और आज हरक सिंह रावत ईडी के सामने पेश हो सकते हैं, जहां पर उनसे पूछताछ हो सकती है। तो हरक सिंह के कई ठिकानों पर पहले भी इस पूरे मामले को लेकर छापेमारी हुई, साथ ही साथ उनके करीबियों के घर पर भी छापेमारी हुई। आज इस पूरे मामले में, यानी पाखरू रिजर्व फॉरेस्ट के टाइगर सफारी घोटाले के मामले में, हरक सिंह रावत से पूछताछ फिर से हो सकती है। बताया जा रहा है कि ईडी ने हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी पहले भी की थी। छापेमारी में कई तरह के दस्तावेज के साथ नकदी बरामद किए गए थे। अब आज इसी मामले पर हरक सिंह रावत से पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इस पूरे मामले में किस तरह से हरक सिंह की संलिप्तता है। अगर छापेमारी की बात की जाए तो नकदी बरामद हुआ था, कई ऐसे दस्तावेज थे जिसको आधार बनाकर आज ईडी हरक सिंह रावत से पूछताछ कर सकती है। और चमोली में बारिश और बर्बादी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। भारी बर्फबारी के बाद कई सड़कें इस वक्त बाधित हैं, वहीं सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियां भी फंस गई हैं। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बंद है। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ औली मोटर मार्ग भी बाधित हो चुका है। इसके साथ ही जोशीमठ के ज्योति विद्यालय के पास एक घर खतरे की जद में आ गया है। घर के नीचे पूरी दीवार नीचे की तरफ खिसक गई है।
तो किस तरह की दिक्कतें अब सड़कों पर आ रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर बर्फ जमने से कई रास्ते हैं जो इस वक्त बाधित हो गए हैं। और चमोली में हो रही बर्फबारी के बाद एवलॉन्च आने की आशंका जताई जा रही है। DGRE यानी कि डिफेंस जियोन इंफॉर्मेटिक रिसर्च एब्लिसमेंट चंडीगढ़ ने इसके लिए चेतावनी जारी की है। इसके चलते जिले के सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो हम आपको बता दें एवलॉन्च की आशंका जताई गई है चमोली में और को लेकर अब DGRE चंडीगढ़ ने एक सतर्क वार्निंग दी है कि जितने भी अधिकारी हैं वो सतर्क रहे और जिस भी तरह की स्थिति यहां पर बनेगी उसके लिए तैयार रहे। तो बर्फबारी के बाद एवलॉन्च की आशंका बढ़ गई है और इसी आशंका को देखते हुए अब एक आशंका जताई गई है एवलॉन्च की DGRE यानी कि डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक रिसर्च एस्बिस्मेंट संजी चंडीगढ़ ने इसके लिए चेतावनी जारी की है। इसके चलते जिले के सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तो लगातार उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए नितिन सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, किस तरह की जानकारी मिली है? जी, अगर पहाड़ों में मौसम की बात करें तो पिछले तीन दिनों से लगातार पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी है और आज मौसम थोड़ा सा साफ है, थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन बर्फबारी के बाद जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बाधित है। इसके अलावा मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हो चुका है। अगर हम लिंक मोटर मार्गों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाले एक दर्जन से अधिक जो मार्ग है उन पर बर्फबारी के बाद बर्फ जमी हुई है, फिसलन जमी हुई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली को जोड़ने वाली जो सड़क है उस पर भी बर्फ की मोटी चादर जमी है, यानी कि अभी यातायात के लिए सड़क को बंद कर दिया गया है। निचले इलाकों की अगर बात करें तो वहां पे भी बारिश की वजह से काफी नुकसान हो रहा है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रखा है। अगर हम जोशीमठ से बात करें चमोली की तरफ जो गाड़ियां जाती हैं वो अभी दौड़ागिरी होटल के पास बड़े बड़े पेड़ टूट गए हैं बारिश के बाद, तो उनको हटाया जा रहा है, वहां पे भी मार्ग बाधित है। इसके अलावा कल भी हमने खबर चलाई थी कि पांडुकेश्वर में लैंडस्लाइड हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश है वो कहीं पहाड़ों में कुछ राहत लेकर जरूर आई लेकिन मुश्किलें भी काफी बड़ी है। अब अगले 24 घंटों की अगर बात करें तो पहाड़ों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है और धीरे धीरे जो स्थितियां काबू हुई है बारिश के बाद उन पर काबू पाने प्रशासन कोशिश भी करेगा। जी चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो एवलांच और मौसम खराब होने की अभी कुछ दिनों तक उम्मीद इसी तरह से की जा रही है। रविवार शाम हरिद्वार में तेज बारिश हुई है जिसकी वजह से जगह जगह पर पानी भर गया। विष्णु घाट के पास बाजार में इतना ज्यादा पानी भर गया कि पानी के बहाव में दुकानों में रखा सामान बहने लगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकान में रखा सामान, सड़क के किनारे खड़ी स्कूटी किस तरह से पानी में बहती दिखाई दे रही है। दुकान का सामान बह जाने से वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों ने बमुश्किल सामान को बचाया। हल्द्वानी के बनफूलपुरा कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर हिंसा के फरार आरोपियों की तलाश अब तेज कर दी गई है। हिंसा के कई आरोपी अभी तक पकड़ से दूर हैं। पुलिस को 11 आरोपियों की लोकेशन उत्तर प्रदेश में मिली है। उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर पुलिस टीम में भेज दी गई है। वहीं पुलिस ने 50 महिला पत्थरबाज को भी चिन्हित किया है। और नैनीताल के बगड़ गांव की लड़की पहले तो प्रेमी के साथ भागी और खुद को गुलदार द्वारा लेकर भागी जाने की साजिश रची। पूरे जंगल में एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाया, फिर जब साजिश का खुलासा हुआ तो लड़की अपने बयान से ही पलट गई और प्रेमी अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। नैनीताल के बगड़ गांव की लड़की भगाने के मामले में फिर नया मोड़ आ गया है। प्रेमी के साथ भागी युवती ने युवक पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बगड़ तोला गांव की लड़की ने आरोपी असीम जलाल पर नौकरी और शादी का लालच देने का आरोप लगाया है। पहले गुलदार ले जाने की कहानी रचकर घर से लड़की भाग निकली और अब खुद के साथ अपने घर वालों को भी इस युवक से खतरा बता दिया है। माता पिता की सुरक्षा का हवाला देकर अब खुद ही जाने की बात भी स्वीकार की है।
पूरी घटना जो है वो किडनैपिंग की है और मैं मेरे परिवार को इससे बहुत खतरा है तो हमें पुलिस सुरक्षा की ज़रूरत है, वो मैंने किया था। तो मतलब उनके प्लान के हिसाब से मैं बहुत डर गई थी। उन लोगों ने ये भी बोला था कि अगर ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हारे परिवार को बहुत खतरा है। दरअसल आरोपी असीम जलाल कमर के नीचे दिव्यांग है और व्हील चेयर लेकर अपने एक साथी के साथ फेसबुक से हुई मोहब्बत के लिए बगड़ पहुंच गया। लड़के का कहना है कि पूरा खेल लड़की ने ही रचा और उसको फंसा दिया। इस दौरान मोबाइल की लोकेशन लड़के को भेजती रही, घर वालों को दिखाने के लिए गुलदार के ले जाने की साजिश भी रच डाली। लड़के का यह भी कहना है कि लड़की उसे कई महीने से साथ ले जाने की डिमांड कर रही थी। हालांकि युवक अब फिलहाल जेल पहुंच गया है। फेसबुक के द्वारा हुई 5-6 साल से बातचीत थी। शादी करनी है करके बुलाया था, शादी करनी है और अभी आजा आ रहा है तो नहीं तो फिर आज के बाद आना ही मत, ऐसा करके मैसेज डाला था मेरे को। आज आजा वो कुछ नहीं पता। मैंने उसको बोला, मैंने अपने घर वालों को बताया तो उसने बोला मैं कुछ ऐसा करके आ रही हूँ कि किसी को कोई ढूंढेगा भी नहीं और तू भी नहीं फंसेगा। अभी जो हमारे राजस्व पुलिस की टीम की तरफ से बयान लिए गए हैं उसके आधार पर एक अभियुक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जा रहा है और उसके पश्चात उसमें जो भी जांच के दौरान भी जो अग्रतर कार्रवाई जो भी तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत होंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पहाड़ में लव जिहाद को लेकर सरकार सख्त है और फेसबुक से शुरू हुआ प्यार अब हवा में उड़ गया है। आरोपी लड़का जेल की सलाखों के पीछे चला गया है तो लड़की भी मोहब्बत को पीछे छोड़कर अपने घर चल दी है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही कि पूरे मामले में आखिर दोषी कौन है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। और हरिद्वार में शारदीय कावड़ यात्रा चल रही है। शिव भक्त कावड़िये तरह तरह के कावड़ लेकर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आए दो कावड़िये मोदी और योगी की तस्वीरों वाली कावड़ लेकर हरिद्वार पहुंचे। दोनों युवक हर की पैड़ी से 51 लीटर गंगा जल भरकर अमरोहा रवाना हुए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी कावड़ से सभी का अपनी ओर ध्यान भी खींचा। और आप देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार के होटल में ठहरे हुए युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, मृतक देहरादून का रहने वाला। उत्तरकाशी में बारिश के बाद गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर कुछ जगह बोल्डर गिर रहे हैं जिससे यात्रियों पर खतरा मंडरा रहा है। जोशीमठ में गोपेश्वर हल्दी पानी के लोगों की चिंता बढ़ गई है, दरार पड़े घरों में बारिश का पानी का रिसाव हो रहा है। उत्तरकाशी के सर बड़ियार क्षेत्र में पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त, तेज हवाओं के चलते पेड़ घर पर गिरा। नैनीताल में व्यापारियों ने कोतवाली का घेराव किया, शहर में बढ़ती चोरियों के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। देहरादून बीजेपी ऑफिस में लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र को लेकर चर्चा, संकल्प पत्र के लिए आम लोगों से की तरह के सुझाव मांगे जाएंगे। नैनीताल सीट पर सांसद अजय भट्ट को टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में खुशी। नैनीताल में कई जगह ओलावृष्टि हुई जिसकी वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। ऋषिकेश के भनियावाला में डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्र में ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी दिया। कोटद्वार में ब्लड कैंसर से पीड़ित 11 साल की मासूम के इलाज के लिए ब्लड डोनेशन की मुहिम में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।